तो ऐसे नहीं कर, अगर तुमने उसको नहीं छोड़ा तो सिंह ने जो उसकी माँ है वो तेरे
दूषण को बहुत ही सब देखे, बहुत चकित हुए, बहुत ही आश्चर्य हुए। वो सोचने लगे कि सच में ये बालक जरा भी डर नहीं रहा है ना, उसको सिंह का, सिंहनी का, उसके बच्चे का डर नहीं है। मतलब ये बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही पराक्रमी बालक है। और उसका जो उसका चेहरा देखते उसको लग रहा था कि ये बहुत ही चमक रहा है। पवित्रवासिनी है प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। और उसने उसको समझाने के लिए पहले तपस्विनी ने कहा बालक को कि मैं तुझे एक खिलौना ला के दे दूं, उसको छोड़ दे। बालक ने कहा हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहा है। फिर बालक ने पहले कहा कि बैठ के मुझे खिलौना दे, फिर मैं छोड़ता हूँ, लाओ हम जल्दी ले गया। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आहा, उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत छाप है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। और वो तभी दूर से दुष्यंत जो बालक को देख रहे थे, उसके हाथ देख रहे थे, तो जिसे उनको दिख रहे थे कि चक्रवर्ती है, कितना उसमें शूरवीर का यह हाथ है, उसकी उंगलियां जो है बहुत ही अद्भुत है, उसके जो हथेली की शोभा है वो बहुत ही कमल से भी सुंदर है। यह बातों से न मानेगा, जब मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का बोल रखा है, उसे ले आ। और उसने दूसरी तपस्वी पहले तपस्वी से कहा कि जा वहां पे एक खिलौना रखा है मोर का, माटी का, तो वो लेके आ जा। पहली तपस्वी मैं अभी नहीं आती हूँ, और वो चली गई। बालक जब तक मैं इसी सिंहों के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्वी की ओर देखकर हंसता है। और बालक हंसते हंसते वो तपस्विनी को बोलता है कि वाणी तो उसको लेकिन तब तक मैं ये सिंह के बच्चे के साथ खेलता हूँ। दुष्यंत आप ही आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा लल जाता है। आह भर कर धनुष्य है वो, धन्य है वो मनुष्य जो अपने मूल पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की दूरी से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और पुतले वचन बोलते हैं। तो दुष्यंत वहीं पे जो झाड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे, और वो मन ही मन अपने से बात कर रहे कि कितना मतलब मेरा मन क्यों कर रहा है, इतना लल जा रहा है मेरा मन इस बालक से खेलने के लिए। उसके माता पिता कितने धन्य होंगे जिन्होंने ऐसे बालक को जन्म दिया है। दूसरी तपस्वी क्यों रे ढीढ़, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देख कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा तुम ही आओ और कृपा करके इस गरीब बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ा। तो फिर तभी दूसरी तपस्वी वहां पे आई और उसने उसको डांटने लगा कि क्यों तुम मेरी बात नहीं सुन रहा है। पहले कहे कान नहीं धरता, कान नहीं धरता मतलब बात नहीं सुनना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, और जब से तुझे बोल रहे तो मान नहीं रहा। और फिर वो यहाँ वहां देखने लगे कि कोई ऋषि कुमार है, ऋषि मुनि है जो जिससे वो कहे और वो उसकी बातें सुने। तो वहां पे देखा तो दुष्यंत को दिखे, तो दुष्यंत को उसने रिक्वेस्ट की कि आप जरा देखो आप इस बालक को समझो, ये मेरी बात तो नहीं मान रहा। दुष्यंत अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर हे ऋषि कुमार तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यह तो कोई अच्छी बात नहीं, बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। और फिर दुष्यंत वहां पे आया, उसने उसको पकड़ा और उसके पास हंस कर उससे बात की कि तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, हमारे ये जो वन है इसकी हमें रक्षा करनी है, और तुम ऐसे बालक दिख रहे और तुम ऐसे काम कर रहे, मतलब तुम खुद लाज का ही काम कर रहे, ऐसे काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं होती। और ये सब सुन के उस बालक ने उसी हमें बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्वी ने हे बड़भागी यह ऋषि कुमार नहीं है, तो उसने उसको कहा ए बड़े भाग्य वाला ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत सत्य है उसके काम ही ऐसे साहस के है, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में पास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो उसने कहा कि हाँ सच में ये कोई बड़े भाग्य मतलब कि बड़े भाग्य वाला नहीं है, ये कुछ ऋषि कुमार नहीं है, ये कोई और ही है। और उसका हाथ को पकड़ के उन्हें बहुत ही खुशी
अच्छा लगा। तो बोले कि मतलब जिस जो उसके माँ बाप रहेंगे वो तो कितने खुश हुए रहेंगे। तो उसी तपस्वी दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है और उसने कहा कि बहुत ही आश्चर्य की बात है। दूसरे ने कहा तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरे ने उसको पूछा तुम्हें क्यों अचंभा लगा, तुम्हें क्यों आश्चर्य की बात लग रही है। दूसरी तपस्वी इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मानी। और उसने कहा इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि तुम दोनों की सूरत जो है शक्ल जो है एक दूसरे से बहुत ही मिलती जुलती है और तुम्हारी बात उसने तुरंत सुन ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर हे तपस्वी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। तो उसने पूछा कि ये अगर यहाँ का कोई नहीं है तो किस वंश का है, किसका बच्चा है ये। दूसरी तपस्वी ने कहा यह गुरुवंशी है। गुरुवंशी मतलब गुरु नाम के राजा के कुल का, मतलब कि एक राजा है उसका गुरु नाम का कुल है और उसका और वही राजा दुष्यंत जो है वो भी वही कुल का है तो वो सेम ही कुल के है। दुष्यंत स्वयं से इसलिए इसकी सूरत मुझे से मिलती है। बच्चे को गोद से उतार कर गुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर उनकी रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। तो उसने अपने से बात की, उसने उसको उठाया। सच में गुरुवंशी बालक लगता है, जो कोई साधा सुधा बालक नहीं। गुरुवंशी ऐसे होते हैं जो पहले तो महलों में रहते हैं और वैसे ही पृथ्वी की रक्षा करते हैं और वृद्धावस्था में मतलब बुजुर्ग होने के बाद वो वन में आते हैं और अपनी कुटी बनाते हैं। दूसरी तपस्वी हे परदेशी तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेरी का नाम एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ। तो उसने क्या कहा कि तुझे जान के लिए आश्चर्य होगा, ये पता चलेगा कि ये इसकी माँ जो है वो एक अप्सरा की बेटी मतलब उसकी माँ का और जो ये बालक है उसकी नानी का नाम अप्सरा है और उसकी बेटी और उसकी माँ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है तो उसको और उसमें आशा बढ़ी, जैसे कि उसको ऐसा लगा कि ये इसी का बेटा है। तो इसने पूछा कि ये किसका बेटा है। दूसरी तपस्वी जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैंने पूछा। तो उसने कहा मतलब ये तो उस राजा को जानती नहीं, उसका नाम नहीं जानती। उसने कहा कि इसकी माँ को उस राजा ने छोड़ दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसने कुछ अपराध भी नहीं किया था, पर फिर भी उसकी माँ को उस राजा ने छोड़ दिया और मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। पहल तपस्वी मिट्टी का मोल लेकर आई। तो फिर दुष्यंत ने बुद्धि से अपने मन से बात की, ये कथा तो मेरे से मिलती जुलती है, मेरी भी कुछ ऐसी ही कथा है, अभी मैं क्या पूछूं इसको इसकी माँ का और पापा का नाम। तो फिर तब तक वो पहले तपस्वी आ गई मिट्टी को लेकर, मिट्टी का मोल लेकर। बोली तपस्वी क्या सर्वदावर क्या शकुंतला पर ने देख। और शकुंतला पर ने मतलब एक सौंदर्य पक्षी बालक बड़े चाव से देखकर कहा है शकुंतला मेरी माता। और फिर उसको लगा उसने जैसे कि सुना कि उसने उसकी माँ का नाम लिया ये देखते शकुंतला, पर उसने उसकी माँ का नाम नहीं लिया था। उसने कहा था कि ये देख सुंदर बहुत ही सुंदर पक्षी। तो फिर उसने गलत सुना। दूसरी तपस्वी ने हंसती हुई यहाँ तेरी माता नहीं है तो इस नाम से धोखा खा के सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर का देख। तो उसने कहा कि ये यहाँ पे तेरी माँ नहीं है माता नहीं है, मैंने तो सिर्फ इस शकुंतला ने कहा कि मिट्टी का मोर देखने का, मैंने शकुंतला नहीं कहा तेरी माँ का नाम तो नहीं लिया। दुष्यंत स्वयं से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है, यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। उसने कहा कि जैसे कि इसने तो मेरी शकुंतला का नाम लिया, मतलब कि उसकी जो पत्नी है उसका भी नाम शकुंतला है, और ये सुन के उसको जरा और ही व्याकुलता हुई। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है,
खिलौना ले लेता है और वो बालक उसको लेता है वो मिट्टी की मोर और बहुत खुश हो जाता है। परी तपस्वी घबरा कर ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया, मतलब कि बालक की बाह पे हाथ पे एक रक्षाबंधन बांधा था वो कहाँ गया, वो ढूंढने लग गए, वो वहां पे उसको नहीं दिखा। तुरशन घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वहां पड़ा था, मैं उठाकर तुम्हें दिए लेता हूँ। उठाने के लिए झुकता तो उसने कहा घबराओ मत, ये झुक गया, खेल रहा था तभी उसके हाथ से गिर गया, तो वो वहां पे गिरा है, रुको मैं आपको ये उठा कर देता हूँ। पहली तपस्वी अरे एक बात उठाओ इसे मत छूना, तो उसने उसको मना किया कि तुम उसे छुओ नहीं। दूसरी तपस्वी ओ इसने तो उठा भी लिया, दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, एक दूसरे ने देखा कि उसने तो उसको उठा लिया है। दुष्यंत कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दूसरी तपस्वी इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है और पराजित का नाम कभी भी पराजित नहीं होना। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। जब उसका नामकरण था तो ऋषि मुनि ने वो उसके हाथ पे बांधा था और उन्होंने ये कहा था कि ये अगर कहीं पे गिर पड़े तो उसे सिर्फ उसके माता पिता ही उठा सकते हैं, उसे बांध सकते हैं। दुष्यंत और जो कोई उठा ले ले तो क्या हो, परी तपस्वी तो यह तुरंत सावधान कर उसे डसता है। दुष्यंत तुमने कभी ऐसा होते देखा है, परी तपस्वी अनेक बार दुष्यंत ने उसको बोला कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, अगर किसी और ने उसे पकड़ा तो तपस्वी ने उसको बोला कि ऐसा हो तो वो सावन कर उसे डर सकता है। तो दुष्यंत ने पूछा तुमने अगर ऐसे कहीं पे देखा है कि वो कभी कोई किसी ने पकड़ा है और सांप बन गया, तो उसने कहा हाँ मैं तो बहुत बार देखा है, अनेक बार देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों अमन मना बालक को गोद में ले लेता है, वरदान गिरता है। तो वो दुष्यंत बहुत ही खुश हो गया, बहुत फूल न समाया, उसे ये जानकर खुशी हुई कि मैंने उस रक्षाबंधन को पकड़ा हाथ में और मैं सांप भी नहीं बना, मतलब कि मैं ही इस बालक का पिता हूँ। और वो बहुत ही खुश होकर उस बालक को गोद में ले लिया और वरदान गिर गया, मतलब कि ये नाटक खत्म हो गया। सो ये था ये हमारी पाठ, तो तुम लोग घर पे पढ़ लो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो तुम्हारे घर पे ज्यादा भाई बहन है तो इस पाठ को एक नाटक में नाटक जो है उसको एक एक पात्र का नाम दो, जैसे कि पहले तपस्वी दूसरे तपस्वी बालक दुष्यंत ऐसे चार, और तुम लोग एक 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 वन बाय वन